अगर आप भी ब्लॉगर यूज करते हो एंड ब्लॉगर की ही हेल्प से लाखों रुपए कमाना चाहते हो महीने के, तो इस वीडियो को आप सभी लोग एंड तक देखना। इस वीडियो में आप सभी लोग को एक कमाल की एआई वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूं, जिसके हेल्प से चाहे आप ब्लॉगर यूज कर रहे हो या फिर आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हो, काफी कमाल की अर्निंग कर सकते हो एंड नेक्स्ट लेवल अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेकर आ सकते हो। इसलिए ये जो एआई वेबसाइट है, ये आपके लिए किसी भी टाइप का कोड जनरेट कर सकती है, कोई भी टूल वेबसाइट को क्रिएट कर सकती है। मैं आप सभी लोग को एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, उस एआई वेबसाइट पर जाना है, किसी भी टाइप का टूल का स्क्रिप्ट आप सभी लोग को जनरेट करानी है, उस स्क्रिप्ट को जस्ट आपको कॉपी करना है एंड अपनी वेबसाइट पर एक आर्टिकल के फॉर्म में उसको किस तरीके से आप सभी लोग को इंप्लीमेंट करना है वही चीज बताऊंगा। इसका फायदा क्या होगा, आपको सिंगल पेज की एक वेबसाइट नहीं बनानी पड़ेगी, जस्ट आपको टूल उस आर्टिकल में बन जाएगा एंड उस आर्टिकल को आपको रैंक कराना है एंड दैट्स इट, आपको ट्रैफिक आएगा, तगड़ी अर्निंग होगी। ये पूरा का पूरा प्रोसेस मैं आप सभी लोग को बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से कॉपी पेस्ट करके दिखाने वाला। तो अगर आप भी सीखना चाहते हो तो डेफिनेटली आप वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि ऐसे वीडियोस टाइम टू टाइम इस चैनल पर मैं डालता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सभी लोग को बताता हूं कि जो प्रोसेस, जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूं, उसमें कितना ज्यादा पोटेंशियल है कि आपको ट्रैफिक आएगा, कितनी आपकी अर्निंग होगी, सब कुछ यहां पर देखो। एग्जांपल के लिए आप देखो, मैंने बीएमआर कैलकुलेटर सर्च किया जस्ट एक एग्जांपल के तरीके से। तो यहां पर देखो कुछ साइट्स आ रही है जो मिलियंस ऑफ ट्रैफिक लेकर जा रही है, जैसा कि आप देख सकते हो। ये वाली एक साइट देखो कि तो ये एक अलग से साइट है, इसने कुछ नहीं कर रखा है, एक आर्टिकल बनाया है, उस आर्टिकल में जो है इसने इस टूल को ऐड किया है, ये सेम काम करके इसका ट्रैफिक आप देख सकते हो। इसी तरीके से स्मॉल एसईओ करके एक टूल की वेबसाइट है जो अलग अलग टूल्स प्रोवाइड करती है एंड ये टूल की वेबसाइट भी मिलियंस ऑफ ट्रैफिक लेकर जा रही है, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हो। इसमें अलग अलग तरीके के बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे एंड ये सभी लगभग 90% सभी तरीके के टूल्स आप जो एआई वेबसाइट में आपको बताने वाला हूं उसकी हेल्प से बना पाओगे। इसी तरीके से ये एक और मैंने कीवर्ड जस्ट एक एग्जांपल के लिए आपको बताया कि इमेज कंप्रेशन का टूल, लोग 20 KB में इमेज को कन्वर्ट करने के लिए इसका टूल को फाइंड करते हैं। ये वाली पहली वेबसाइट देखो, सेकंड वेबसाइट देखो, ये अलग अलग जेपीजी ऑप्टिमाइजेशन में अलग अलग पोर्शन में अलग अलग टूल्स बनाए हुए। अब डुप्लीकेट चेकर जो एल्गोरिथम चेक करने वाली वेबसाइट है, उसने भी इमेज कंप्रेशन का टूल बनाया है, मतलब कैटेगरी कुछ और है लेकिन टूल को ऐसा और बना दिया एक अलग पेज पर एंड वो भी रैंक कर रहा है। तो ये सेम काम मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे कर सकते हो, चाहे आप ब्लॉगर यूज कर रहे हो चाहे आप वर्डप्रेस। टूल वेबसाइट में सबसे बढ़िया बेनिफिट ये है कि जस्ट आपको एक बार काम करना है, अपने टूल को सही तरीके से ऑप्टिमाइज करके डाल देना है, जिंदगी भर आपसे वहां को ट्रैफिक मिलेगा, आपकी अर्निंग होगी, बस आपको उस पेज को मेंटेन करके रखना है। जिस एआई वेबसाइट की मैं बात कर रहा था उसका नाम देख सकते हो, बीएआई करके कुछ वेबसाइट का नाम है, यूआरएल आप देख सकते हो bee.ai करके, इस टाइप का अजीब सा नाम है। आपको कुछ नहीं करना है, इस वेबसाइट पर आना है, नीचे आओगे तो यहां पर आप सभी लोग को जो है बीएआई चैट का सेक्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके वो चैट आ जाएगा एंड आने वाले दिनों में ये जो है सिर्फ कोड जनरेट करने के लिए एक नया एआई भी बनाने वाला है, जो कि मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल होगा। सो आपको कुछ नहीं करना है, इस चैट बोर्ड पर आ जाना है, जैसा कि आप सभी लोग जैसे आओगे ट्राई फॉर फ्री के सेक्शन पर क्लिक करना एंड इस बोर्ड पर आप आ जाओगे। आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट इस बोर्ड को आपको कमांड देनी है किस टाइप का आपको एआई वेबसाइट चाहिए, किस टाइप का आपको टूल बनाना है। तो देख सकते हो मैंने एक प्रॉम्प्ट को एंटर किया है कि राइट ए कोड ऑफ बीएमआर कैलकुलेटर वेबसाइट। अब कैलकुलेटर की जितनी भी वेबसाइट है इन पर जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत ज्यादा हाई है, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अगर आपको लो कॉम्पिटिशन वाले टूल्स के बारे में जानना है, उनके निशेस के बारे में जानना है, कमेंट सेक्शन में बताओ यार, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा क्योंकि इस वीडियो में हम सब सीख रहे हैं, तो इसको एक एग्जांपल लेकर चल रहे हैं। तो जैसे मैं इसको एंटर करूंगा, अभी मुझे HTML, JavaScript और उसकी CSS सब कुछ जो है काफी इजीली प्रोवाइड कर देगा। यहाँ पर देख सकते हो कितना टाइम लगा, 1 मिनट भी नहीं लगा एंड हमारा जो टूल है वो टूल कम्प्लीटली इसने रेडी कर दिया, HTML, Java एंड CSS तीनों इसने दे दिया। हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको इस टूल को चेक करना है कि यार इसने जो स्क्रिप्ट दिया वो वर्क कर रही है नहीं कर रही है। अब इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, codepen.io जो वेबसाइट है इस पर आना है। यहाँ पर आप जैसे स्क्रिप्ट डालोगे आपको पता चल जाएगा कि यार आपका कोड वर्क कर रहा है फिर नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा होगा तो हम इससे दोबारा से जनरेट करवाएंगे। इससे क्या होगा कि जो आपकी मेहनत है वो बच जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली आप अपने सर्वर पर या फिर ब्लॉगर पर ट्राई करोगे तो प्रोसेस ज़्यादा लगेगा। तो हम क्या करते हैं, HTML को कॉपी करके HTML के सेक्शन पर डालते हैं, CSS को कॉपी करके CSS के सेक्शन पर डालते हैं। जस्ट आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, कॉपी पेस्ट करना है, यहाँ से जाओ JavaScript को कॉपी करो एंड JavaScript के सेक्शन पर आकर डाल दो। अब आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो इसने हमें जो है BMR कैलकुलेटर बना दे दिया है, कुछ इस तरीके का ये हमें दिखा रहा है, काफ़ी प्रीमियम लुक आ रहा है। सबसे पहले मेल फीमेल सेलेक्ट करो, एज यहाँ से सेलेक्ट करो, मैं 22 सेलेक्ट करता हूँ, वेट 75 जो मेरा है वो डाल रहा हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर हाइट सेंटीमीटर में डालते हैं 184 एंड कैलकुलेट बीएमआर के सेक्शन पर क्लिक करते हैं। तो इसने बता दिया कि हमको जो है
1851 कैलोरीज पर डे चाहिए, मतलब टूल हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। यहाँ पर आप देखो ये वाला टूल हमने जो है इस चैट बोर्ड से बनाया है, एंड ये वाला टूल इस भाई मतलब जिसकी भी वेबसाइट उसने बनाया हुआ है वही सेम चीज है, एज है, जेंडर है, हाइट वगैरह है, बॉडी वेट है, एंड वो डालते हैं कि आपको जो है BMR यानी कि कैलोरीज को कैलकुलेट करके बता दे। जस्ट एग्जाम्पल के लिए मान लो आपको JPEG to PNG कन्वर्टर टूल वेबसाइट बनाना है, PNG to JPEG कन्वर्टर बनाया है, फिर किसी भी टाइप का हो गया, क्योंकि मेरा दिमाग में अभी एकदम टूल का कोई आइडिया नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो इसने जो हमें डेटा दिया है वो सारा का सारा हमें पाइथन लैंग्वेज में दिया है, तो हमें पाइथन में तो चाहिए नहीं, तो हम क्या करेंगे इसको बोल देंगे कि भाई HTML जावा एंड CSS में दे। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो JPEG जो PNG कन्वर्टर का टूल भी यहाँ पर क्रिएट कर रहा है, CSS बना रहा है, HTML बना चुका है, एंड ये इसकी जावास्क्रिप्ट जिससे कि टूल वर्क करेगा वो भी इसने ऐड कर दिया है। डेट्स इट, ये चीज करके आपका टूल बन जाएगा। फिर आप जो भी ऐड करवाना चाहते हो उससे पर्सनली करवा सकते हो, कोई डाउनलोड बटन लगवा सकते हो। तो एग्जांपल मैंने आप सभी लोग को बता दिया, अब बताता हूँ इनको आर्टिकल में सेटअप कैसे करना है। ये तीनों अलग अलग फॉर्म में है, तो हमको अगर आर्टिकल में लेना है तो तीनों स्क्रिप्ट को हमको ऐड करना होगा। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, Notepad++ आप यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। नया पेज आपको ओपन करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर आओ, जो HTML वाला सेक्शन है उस HTML वाले सेक्शन को कॉपी करो एंड यहाँ पर आकर डाल दो। ये जैसे ही डालोगे इसके बाद हेड के सेक्शन के नीचे आना है आपको। तो तीनों कोड को ऐड करने के लिए सिर्फ दो कोड आपको जो है पर्सनली लिखने पड़ेंगे, जो कि मैं आप सभी लोग को बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको एक स्टाइल का कोड लिखना है जिससे कि CSS आप ऐड कर पाओगे। तो कुछ नहीं करना है आप सभी लोग को, ये दो चीजें ऐड करनी है, इसके बीच में आप सभी लोग को जस्ट स्टाइल सेलेक्ट करना है। बाद इस सेम कोड को आप सभी लोग को कॉपी करके इसी के आगे एक बार पेस्ट कर देना है। इस टैग को जो लास्ट वाला स्क्रिप्ट वाला है इसके आगे आपको एक क्लोजिंग टैग लगा देना है। ये आपका एक कम्प्लीटली हो गया, इसको जैसे एंटर करोगे इसके बीच में जस्ट आपको CSS का कोड एंटर करना है। तो ये हमारा CSS है, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर आएंगे, पेस्ट कर देंगे, CSS ऐड हो गया। डेट्स इट, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जहाँ पर बॉडी का टैग यहाँ पर क्लोज हो रहा है उसी के ऊपर आपको एक स्क्रिप्ट का टैग ऐड करना है। पहले हमने स्टाइल का किया था, अब यहाँ पर हम जो है स्क्रिप्ट का एक टैग ऐड करेंगे, इसको बंद करेंगे एंड सेम चीज़ इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे एंड इसको जो है क्लोज कर देंगे। इसके बीच में जस्ट आप सभी लोग को जो आपकी जावा स्क्रिप्ट है वो जावा स्क्रिप्ट आपको यहाँ पर जो है ऐड करनी है। ये हमारी जावा स्क्रिप्ट है, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर आकर हम इसे जो है डायरेक्टली पेस्ट कर देंगे। डेट्स इट, आपका काम हो गया, ये आपका टूल बन गया। अब अगर आप सभी लोग चाहो तो इसको एक सिंगल पेज में भी डाल सकते हो, आप इसको चाहो तो किसी पर्टिकुलर आप पेज के अंदर भी इनबैंड कर सकते हो। जस्ट लाइक कि आपको किसी ब्लॉगर के पेज पर इसको इम्बैंड करना है, तो ये मैं ब्लॉगर की साइट पर आ गया, ये कोई आर्टिकल है इसके बीच में हमें ऐड करना है। जैसे मान लो आप एक नया आर्टिकल लिख रहे हो उसमें आपको इस टूल को ऐड करना है, इसी टूल पर आर्टिकल लिख रहे हो। जस्ट मान लो यहाँ पर हम कोई हेडिंग देख लेते हैं, किसी हेडिंग के नीचे आपको लगाना है, जैसे व्हाट इज ब्लू स्टैक एक यहाँ पर है, इसके नीचे हमें ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे कि इस लाइन को कॉपी करेंगे, यहाँ से HTML के सेक्शन पर जाएंगे, कंट्रोल F करेंगे, इस लाइन को पेस्ट करेंगे, इस सेक्शन को ढूंढ लिया, यहाँ पर देखो कि ये हेडिंग यहाँ पर क्लोज हो गई और नया पैराग्राफ ओपन हो गया। इसके बीच में हमको एंटर करना है एंड कुछ नहीं करना है, जो पूरा का पूरा कोड है उस कोड को कॉपी करो एंड यहाँ पर आकर पेस्ट कर दो। डेट्स इट, जैसे कंप्रेस व्यू के सेक्शन पर क्लिक करोगे, अब यहाँ पर हमने सारी स्क्रिप्ट को ऐड कर दिया, तो हमें ऐसे अपडेट कर देना है, फिर डायरेक्टली आप प्रीव्यू देख सकते हो। तो प्रीव्यू के सेक्शन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा कोड यहाँ पर जो टूल हमने बनाया था सक्सेसफुली आ चुका है, क्योंकि ये प्रीव्यू वर्जन है तो इसमें यहाँ पर ये वर्क नहीं कर रहा है। बाकी जो आपका नॉर्मल वर्जन होगा उसमें आप देखोगे तो ये टूल पूरा वर्क करेगा। सेम तरीके से अगर आप सभी लोग वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हो तो वर्डप्रेस पर कुछ नहीं करना है। जस्ट लाइक ये आपने कोई आर्टिकल लिखा है, यहाँ पर आपको जस्ट कस्टम HTML का एक सेक्शन ऐड करना है एंड सेम जो कोड है उस कोड को आपको यहाँ से कॉपी करना है एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पर आकर पेस्ट कर दो। ये काम करोगे, प्रीव्यू करोगे तो यहाँ पर आप सभी लोग को दिख जाएगा BMR कैलकुलेटर आपका आ चुका है। डेट्स इट, कितना ज़्यादा सिंपल है, आप देख सकते हो एक आर्टिकल में आपका पूरा का पूरा टूल यहाँ पर आ चुका है। अगर आपको इसको और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाना है और चीज़ें ऐड करनी है तो वो सारी चीज़ें आप ChatGPT से ऐड करवा सकते हो, या बाय डिफॉल्ट यही जो टूल है इस टूल को जैसे ही आप बोलोगे कि इसमें मुझे ये वाली चीज़ ऐड कर दो, इसमें मुझे डाउनलोड बटन लगा लो, इसमें एक और सेक्शन ऐड कर दो, पीछे बैकग्राउंड इमेज ऐड कर दो, तो ये टूल सब करके आपको दे देगा। फिर कॉपी पेस्ट करना है, तो जितना ज़्यादा आप वर्क करोगे उतना तगड़ा आपका जो है टूल बनकर आ जाएगा। हमारा काम क्या रहा कि हम यहाँ पर ऊपर नीचे पूरा कंटेंट ऐड कर सकते हैं, सही से कीवर्ड लगा सकते हैं, SEO कर सकते हैं, फिर हमें सिर्फ इस आर्टिकल को रैंक कराना है एंड डेट्स इट। ये आर्टिकल रैंक करेगा, हमें वहाँ से ट्रैफिक मिलेगा, लोग टूल को यूज़ कर लेंगे, उनका काम हो जाएगा। इस टाइप से आप एक ही ब्लॉग में अलग अलग बहुत सारे टूल्स को बना सकते हो, डाल सकते हो, सारे टूल्स को रैंक करा सकते हो एंड एडसेंस का अप्रूवल भी ऐसे आपको काफी इजिली मिल जाएगा। यही था एक छोटा सा वीडियो जिसमें कि मैंने आप सभी लोग को कंप्लीटली बता दिया कि कैसे आप टूल को अपने पेज में इनबैंड कर सकते हो, इस AI से आप वो बना सकते हो।
होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको और HTML जावा CSS के बारे में सीखना है, कैसे आप ये चीज़ें मैन्युअली भी कर सकते हो, कैसे क्या चीज़ कोड कहाँ पर ऐड करना चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। इसी के साथ मिलते हो नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड बाय।